जिन प्राइवेट अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड लागू है उनके भुगतान आज दिनांक तक नहीं हो पाए हैं। इसको लेकर प्राइवेट अस्पताल के संचालक और स्टाफ के कर्मचारियों ने राजधानी भोपाल के आयुष्मान कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। राजधानी भोपाल के 240 प्राइवेट अस्पताल के संचालक ने बताया कि हम जब भी आयुष्मान कार्यालय आते हैं तो अधिकारी हमसे मिलते नहीं हैं और बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया जाता है। पिछले महीने दिसंबर में भी हम लोग आए थे और मैडम को एक आवेदन दिया था, उसमें हमारी कुछ मांगे थी। प्रमुख मांग हमारी यह थी आयुष्मान कार्ड से जो इलाज किया गया है उसमें जो हमारा पैसा रुका है वो भुगतान जल्द से जल्द कराया जाए। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। मिलना चाहते हैं, अपनी समस्याओं को बताना चाहते हैं तो मिलने से मना कर दिया जाता है और आप 5 बजे के बाद आइए, 4 बजे के बाद आइए। सामने वाला बंदा आके 10-11 बजे से यहाँ खड़ा हुआ है, वो 5 बजे तक आके सिर्फ अपनी 2 बात के लिए, 5 बजे के बाद और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि वो मिलेंगे। आज हमारा पूरा डेलीगेशन आया है, कम से कम 240 हॉस्पिटल आए हुए हैं, सारे डायरेक्टर सारे स्टाफ सब आए हुए हैं। तुरंत मना कर दिया गया जबकि इनको पहले से इन्फॉर्मेशन है। 1 हफ्ते पहले रिटर्न में प्रशासन को, आयुष्मान भारत को, CMHO को, सबको रिटर्न में दिया गया है और आज इनका कहना ये है कि मैडम है नहीं, GM आ रहे हैं। अभी तक पिक्चर में GM कहीं नहीं थे लेकिन आज GM आ रहे हैं। अभी हम लोगों को खड़े हुए कम से कम 1-1.5 घंटे हो गए होंगे, अभी तक GM साहब नहीं आए हैं। इनकी पूरे मध्य प्रदेश के तकरीबन 250 से ज़्यादा अस्पताल इस योजना में जो जुड़े हुए हैं वो लोग हैं। अच्छा, ये लोगों ने 700 करोड़ तकरीबन है, ये लोगों ने नियम के अधीन जाके उसके विरोध में सारी कार्रवाई की है। सारे हॉस्पिटलों को डिम्पेलेंट मैसिव तरीके से करना शुरू किया, सब लोगों के पेमेंट होल्ड कर दिए गए। हमारी मांग इसमें यह थी कि जो हमारे केसेस अप्रूव्ड हैं जिनका पेमेंट स्वीकृति हो गई है, आज से 6-7 महीने पहले 1 साल पुराने केसेस हैं, 1.5 साल पुराने केसेस जिनका पेमेंट स्वीकृति हो चुकी है, कम से कम उनको पेमेंट को रिलीज करें ताकि हम अस्पताल चला पाएं, अपना स्टाफ को सैलरी दे पाए। लेकिन उसका कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं दिया ये लोगों ने, इसका किसी भी अस्पताल को जस्टिफिकेशन दिया है। और जब अस्पताल द्वारा इनसे मांग की जा रही है कि आपने ये क्यों किया गया, ये आपने स्टॉप पेमेंट क्यों किया, पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उसके जवाब में हमें जवाब ये मिल रहा है कि आप लोग केस खराब थे, आप लोगों में ये क्वेरी है। जो पेशेंट का पेमेंट सेंक्शन हो चुका है इंश्योरेंस जैसे TPA और इनके जो विडाल है और FFCL है उनके नियम के हिसाब से, तो केस जब अप्रूव्ड हो गया है उसका पेमेंट अप्रूव्ड हो गया है, उसके फाइल प्रोसेस हो गई तो उसका पेमेंट इनको देना चाहिए। अगला कदम ये है कि अगर हमारी मांगे या हमारी चीज़ों हमारा पेमेंट हमें नहीं दिया जाता है तो हम आगे आयुष्मान योजना में कार्य नहीं करेंगे। ठीक है, अभी मरीज बहुत सारे अस्पताल ले रहे थे लेकिन आज अगर हमारी मांगे हमारी बातों को उसको लोग नहीं समझते, विभाग के अधिकारी लोग या सरकार नहीं समझती है, तो आगे आयुष्मान में हम लोग कोई भी अपने नए मरीज नहीं लेंगे और कार्य नहीं करेंगे। क्योंकि जैसे हमारे साथ आयुष्मान के MOU हुए हैं तो हमारे जो नियम बताए गए उन नियम के हम भी नियम का पालन करते हैं लेकिन ये लोग उस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। 15 दिन में इनको पेमेंट देने की योजना जो बनाई थी, जो नियम बनाए हुए थे, वो महीनों से पेंडिंग चल रहे हैं। नाम नहीं, हमारी पूरी संस्था है प्राइवेट हॉस्पिटल यूनियन एसोसिएशन, जिसमें सारे मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। में पिछले महीने दिसंबर 19 तारीख को हम लोग आए थे, मैडम को हम लोगों ने एक रिटर्न में रिप्रेजेंटेशन दिया था जिसमें हम लोगों की कुछ प्रमुख मांगे थी, जिसमें सबसे प्रमुख मांग थी कि हम लोगों का जो पेमेंट इन्होंने स्टॉप पेमेंट लगा के रखा हुआ है सभी हॉस्पिटल्स का, वो स्टॉप पेमेंट ये तत्काल प्रभाव से हटाएं। इन्होंने मैडम ने हमें आश्वासन दिया था कि हम ये स्टॉप पेमेंट तुरंत आपका अभी इमीडिएटली हटा देंगे, स्टॉप पेमेंट इनका आज तक अभी तक हटा नहीं है। दूसरी हम लोगों की मांगे थी कि जो पेमेंट हम लोगों का पेंडिंग है, जो काम हम लोग कर चुके हैं, हमने पेशेंट का ट्रीटमेंट कर दिया, पेशेंट डिस्चार्ज हो गया, उसका पेमेंट भुगतान काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग है। मैडम ने ये कहा कि ये पेमेंट हमारे पास फंड का इशू है, हम फंड के मैनेज कर रहे हैं, जैसे ही फंड आता है हम आपका पेमेंट 14 दिन के अंदर कर देंगे, मतलब 19 तारीख से 14 दिन 14 वर्किंग डेज। आज तक किसी भी हॉस्पिटल को 1 रुपये का भुगतान नहीं हुआ 19 तारीख के बाद, आज स्टॉप पेमेंट भी इन्होंने नहीं हटाया। तीसरे हमारी मांगे थी कि जो भी हम लोगों के केसेस की ये लोग ऑडिट करते हैं, ऑडिट में इन लोगों के जो क्वालिफिकेशन है वो जो डॉक्टर जैसे MD मेडिसिन का केस है तो उनका मेडिसिन वाला डॉक्टर उसका ऑडिट नहीं करता है, इनके कोई नॉन टेक्निकल नॉन मेडिकल स्टाफ होते हैं जो कि ऑडिट करते हैं, केसेस को रिजेक्ट कर देंगे, रीज़न ऐसे लिखेंगे कि आप लोग भी अगर वो रीज़न देखेंगे तो आप लोगों को भी लगेगा कि ये मजाक चल रहा है क्या हॉस्पिटल्स के साथ।
एक हाँ जब भी हम लोग यहाँ पे आते हैं अपनी पेमेंट के लिए मांगने के लिए आएंगे, इनका यही कहना है कि बस दो दिन में पेमेंट हो जाएगा, दो दिन में पेमेंट आने वाला है, आप लोगों का पेमेंट हो जाएगा, आप हमें एक ज्ञापन दे दीजिए, एक आप नोटिस दे दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।